السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. هل تسمعون صوتي؟ सूरह हिज्र आयत नंबर 60, यहां से शुरू करना है इंशाल्लाह। जी ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़खिही व नफ़सिही। فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ। जब आए वो यानी फरिश्ते आले लूत के पास, जब आए आले लूत के पास अल मुरसलून फरिश्ते, मुरसल इसम मफूल है। अच्छा जी, यहाँ पिछली आयत है ना, छोटी सी आयत जिसका ताल्लुक पीछे के साथ ही है। इल्लम रातहू, सिवाय उसकी बीवी के। हु जमीर का जो मर्जा वो लूत अल इस्लाम की तरफ जा रहा है। इल्लम रातहू, सिवाय उसके बीवी के। कद्दरनाहा, हमने मुकद्दर कर दिया है उसके लिए। इन्नहा मिनल गाबिरीन, क्या मुकद्दर कर दिया हमने? हमने मुकद्दर ये किया है कि वो पीछे रहने वालों में से है। इन्नहा लमिनल गाबिरीन, बेशक वो पीछे, गाबिर कहते हैं बाकी, आई मिनल बाकीन, बाकी लोगों में से होगी, पीछे रहने वाले लोगों में से होगी। यानी हमने सबको बचा लिया है, सबको बचाना है सिवाय लूत अल इस्लाम के बीवी के। ये पीछे रहेगी, बाकी सब चले जाएंगे और हम इनको कौम के साथ तबाह कर देंगे। हालांकि बीवी है, देखें नबी की बीवी है। तो कुरान ने एक उसूल बता दिया है, अल्लाह ताला की पावर क्या है, ये अल्लाह की पावर है। तो फिर मैं वीडियो बंद करता हूं ना, इसलिए मैंने वीडियो बंद की थी। अल्लाह की पावर यह है कि नबी का बाप, नबी का बेटा, नबी की बीवी, नबी का चच्चा,
अल्लाह किसी भी नबी की मोहब्बत में मजबूर नहीं हुआ कि उन्हें जो अल्लाह के फैसले के मुताबिक जहन्नम में जाने वाले थे, नबी की मोहब्बत में आकर अल्लाह अपना फैसला तब्दील कर दे, अल्लाह अपनी पावर को तब्दील कर दे। नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चच्चा, इल्तजाओं के बावजूद भी हिदायत की नेमत से उन्हें अल्लाह ने मालामाल नहीं किया और जहन्नम का ईंधन बना दिया। इससे अंदाजा लगाएं, अलाउल खल्क वल अमर, मखलूक भी अल्लाह की और आर्डर भी अल्लाह का चलता है। चले जी, वैसे ही क्लास भी लेट शुरू हुई और अजान हो चुकी है, तो इंशाल्लाह अजीज नमाज के फौरन बाद हम इंशाल्लाह दोबारा अपनी क्लास को शुरू करते हैं। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فلما جاء آل لوط المرسلون جب آئے آل لوط کے پاس فرشتے المرسل ایک ہوتا ہے مرسل एक होता है मुरसल। मुरसल भेजने वाले को कहते हैं जो कि अल्लाह की जात है, और मुरसल जिसे भेजा गया है। तो यहां अल मुरसलून से मुराद यहां फरिश्ते हैं। लूत अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आपस में जो ताल्लुक है वो रिश्तेदारी वाला है। इलाका भी करीब करीब का था, बयक वक्त एक ही जमाने के ये दो नबी थे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते मौजूद हैं और ये गुफ्तगू जारी है। काला इन्नकुम कौमुम मुनकरून, तो कहा उन्होंने, यानी लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग तो अनजान हो। कौम मुनकर, ये मुनकर जो है ये कौम की सिफत है, अनजान कौम हो तुम तो नहीं जाने पहचाने लोग। और इसकी एक वजह तो ये थी जिसकी वजह से कौम मुनकर कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी तफसील दीगर जगह पर जिक्र फरमाई है कि चूंकि ये एक खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बिल्कुल अनजान थे ये, और एक वजह यह भी बनी कि दावत के लिए एक बछड़ा जबा किया और खाना पेश किया और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। खाना ना खाना और ऐसी शक्ल सूरत वाले हसीन नौजवानों को पहली दफा देखना कि ये एक अजनबीयत मालूम हो रही थी, इसलिए कहा इन्नकुम कौमुम मुनकरून, तुम अजनबी और अनजान लोग हो। कालू, उन्होंने कहा यानी फरिश्तों ने कहा, बल जिना कभी माकानू फीही हम तरून, बल्कि हम लाए हैं आपके पास उस चीज को जिसमें वो शक को शुबा किया करते थे। हम आपके पास उस चीज को लाए हैं जिसमें वो शक को शुबा किया करते थे। दो मिनट इंतजार कीजिए, दो तीन मिनट, फिर मैं चला शुरू करता हूं दोबारा।
जी तो पालो बल जी ना कभी माकान हो फी ही हम तरुण, कहा उन्होंने यानी फरिश्तों ने कहा हम तो लाए हैं आपके पास वो जिसमें थे वो यम तरुण, शक को शुबा करते। तो कौमे लूत किस चीज में शक को शुबा करती थी? अदाब इलाही में। जी जी इना का फेल फाइल है, फेल फाइल मफूल। तो कौम किस चीज में शक शुबा करती थी? अदाब इलाही में। तो फरमाया कि हम, अब वीडियो मैंने बंद की है ताकि वो आवाज साफ आए और ऑडियो में मसला ना हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम कौमे लूत उनकी बर्बादी और उनके अजाब को लेकर आए हैं, वातैना का बिल हक, और हम लाए हैं आपके पास हक को, वइन्ना लसादिकून, और हम यकीनन सच्चे हैं, और हम यकीनन सच्चे हैं। इस जो है आतेना का बिल हक, इससे मुराद भी जो है वो अदाब इलाही है जिसके लिए वो भेजे गए थे, यानी अदाब इलाही ये बरहक है, सच है, और हम भी सच्चे हैं। यानी अदाब इलाही की जो वजूहात हम बयान कर रहे हैं वो वजूहात बिल्कुल ठीक है, और इस कौम लूत की बर्बादी मुकद्दर है। कौमे लूत की बर्बादी मुकद्दर है। तो इस आयत में आपके सामने ये बात रखी कि हक से मुराद अदाब इलाही है, और इन्ना लसादिकून से मुराद जो अदाब की वजूहात हम पेश कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सच्ची है, और इसमें हम सच्चे हैं, और अदाब इलाही करीब है इस बात को हम बयान कर रहे हैं, ये बात भी सच्ची है हमारी। फअस्री बि अहलिक बिकत्अ मिन अल्लैल, आप चलिए अहलो अयाल को लेकर। फअस्री बि अहलिक, इसरा जो लफ्ज है ना, इसरा रात के जमीनी सफर के लिए बोला जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कैसे, क्योंकि ये फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए हुए हैं ना, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम आपस में रिश्तेदार भी हैं और बयक वक्त दोनों नबी भी हैं, और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर आए हैं, और साथ में ड्यूटी दूसरी इनकी ये थी कि आदाब लेकर आए थे। तो इसरा जो है ये रात के जमीनी सफर को कहा जाता है, जैसे अल्लाह ने फरमाया ना सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, असरा बिअब्दिही, वहां उसी माना में। तो आप अपने खानदान को लेकर निकलिए बिकत्अ मिन अल्लैल, रात के किसी हिस्से में, कित टुकड़े को कहते हैं, नहीं दो सफर थे ना, एक मक्का से बैतुल मकदस, ये जमीनी सफर था, दूसरा आसमान का सफर है जो कि बैतुल मकदस से आसमान की तरफ, उसको मेराज कहते हैं। इसरा और मेराज ये दो नाम है, इसरा बैतुल्ला से बैतुल मकदस तक जमीनी सफर, और फिर बैतुल मकदस से आसमान तक ये मेराज है। वत्तबी अदबारहुम, और आप उनके पीछे रहिए। अदबार दुबर की जमा है, पिछले हिस्से को कहते हैं, आप चलिए इनके पीछे पीछे। इनके पीछे क्यों चलना है? ताकि कोई मोमिन पीछे ना रहे, आप पीछे होंगे इनको मोमिनीन को आगे करना है सुरखरू करने के लिए, तो आप पीछे निकलते जाएं इनके। वला यल्तफित मिनकुम अहद, और मुतवज्जे ना हो तुम में से कोई एक भी,
मुतवज्जे मतलब पीछे मुड़कर देखे ना तुम में से कोई भी। इल्तिफात का माना होता है अपने गर्दन को घुमाकर दाएं बाएं आगे पीछे देखना, यहां से मुराद तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे। वमजू तुम चलते रहो, हैसु तुमरून जहां तुम्हें हुक्म दिया गया है, जिस मकाम पर पहुंचने का तुम्हें हुक्म दिया गया है वहां निकलो चलते जाओ, पीछे मुड़कर कोई ना देखे क्योंकि पीछे अदाब है। आगे निजात है पीछे अदाब है, तो पीछे नहीं देखना आगे चलते रहो। वकदैना इलै और हमने उनकी तरफ फैसला कर दिया, दालिकल अमरा इस बात का हमने उनकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया, अन्न दाबिरा हाउलाई के इनकी जड़ें मकतून काट दी जाएंगी, मुसबिहीन सुबह होते ही, इनकी जड़ों को सुबह होते ही काट दिया जाएगा। और हमने उनकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया कि अन्ना दाबिरहा उलाई इनकी जड़ों को मकतून काट दिया जाएगा, मुसबिहीन सुबह होते ही। जड़ को काट देने का मतलब यह कि आखिरी फर्द इस कौम का अदाब इलाही का शिकार होने वाला आखिरी फर्द उसको भी खत्म कर दिया जाएगा सुबह होते वक्त, यानी पूरी कौम का हशर और नशर उसका इख्तिताम होगा सुबह के वक्त, और सुबह होते ही आखिरी फर्द बचेगा और उसको भी नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। सभी कुरान में मौजूद है ना, वत्तकू फितनतल्ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, अल्लाह ताला के उस आदाब से बचो, उस आजमाइश से बचो जो सिर्फ जालिमीन को नहीं आती, फिर इसमें मजलूम भी लपेट में आ जाते हैं। अलबत्ता जो मजलूम होता है उसको उसकी नीयत पर कल क्यामत के दिन उठाया जाएगा। मुसबिहीन इसम मफूल इसम फायल है, ये असबाहा से अफाल नाक्सा से है, ये इसम फायल। वजा अहलुल मदीनत यस्तबशिरून शहर वाले खुशियां मनाते हुए आए, शहर वाले खुशियां मनाते हुए आए, यस्तबशिरून ये हाल है अहलुल मदीना से, यह हाल है कि खुशियां मनाते हुए आए। अब अंदाजा देखें, लूत अलैहिस्सलाम के घर में कौम की हलाकत का यह फैसला हो रहा है और उधर कौम लूत को पता ही नहीं है, कौम लूत को ही पता ही नहीं है कि लूत अलैहिस्सलाम के घर में जो खूबसूरत शक्ल में नौजवान आए हैं वो दर हकीकत फरिश्ते उनके आदाब को लेकर आए हैं, उनके आदाब को लेकर आए हैं, जबकि ये खुशी खुशी लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और मुतालबा किया कि इन नौजवानों को हमारे सुपुर्द किया जाए, हमने इनके साथ बेहयाई का इर्तिकाब करना है। बेहयाई के इर्तिकाब के लिए खुशी खुशी इन नौजवानों पर हमला करने के लिए और इन नौजवानों को अपने साथ ले जाने के लिए ये नौजवान, ये लूत अल इस्लाम की कौम के ये अफराद लूत अल इस्लाम के घर का मुहासरा करके खड़े हैं। कहा जाता है कि इनको आवाज पहुंचाने वाली लूत अल इस्लाम की बीवी थी, ये खूबसूरत नौजवान खूबसूरत शक्लों में घर में आए हुए हैं कि तुम आ जाओ, ये पैगाम पहुंचता है तो इन्होंने घर को घेर लिया और मुतालबा किया कि इनको हमारे हवाले किया जाए। तो लूत अल इस्लाम ने क्या कहा, काला उन्होंने कहा, यानी लूत अल इस्लाम ने, इन्नहा उलाई बेशक ये लोग ज़ईफी मेरे मेहमान हैं, फला तफ़ज़हून तुम मुझे रुसवा ना करो, ये मेरे मेहमान है तुम मुझे रुसवा ना करो। जाहिर है मेहमान की बेहुरमती मेजबान की बेहुरमती होती है, मेहमान की तोहीन दर हकीकत मेजबान की तोहीन है। वत्तकुल्ला वला तुखज़ून
अल्लाह से डर जाओ और मुझे गमजदा ना करो। बला तुखजून, अल्लाह से डर जाओ और मुझे रुस्वा ना करो। उसी तफजाउन तुखजून के माना में, खजीन भी रुस्वाई को कहते हैं। अल्लाह से डर जाओ और मुझे रुस्वा ना करो। कालू, उन्होंने कहा, अवलम नन्हा का, क्या हमने तुझे रोका नहीं था, अनिल आलमीन, दुनिया भर से, यानी दुनिया जहां की ठेकेदारी से हमने तुझे मना नहीं किया, तूने दुनिया जहां की ठेकेदारी उठा ली है। हर एक मामले में तुमने रुकावट खड़ी करनी है। ये कौम अपने पैगंबर को इन अल्फाज के साथ खिताब कर रही है। अल्लाह अकबर। लूत अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? काला, कहा उन्होंने, यानी लूत अलैहिस्सलाम ने, हाउलाई बनाती, ये सब मेरी बेटियां हैं, इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुमने कुछ करना ही है तो ये मेरी कौम की बेटियां मौजूद हैं, इनसे शादी करो, ये मेरी कौम की बेटियां मेरी बेटियां हैं, अगर तुमने कुछ करना है तो इनके साथ करो, इनसे ब्याह कर लो, इनसे शादी कर लो, अपने जिंसी तस्कीन को पूरा कर लो, लेकिन इनसे शादी कर लो, ये बेटियां मौजूद हैं। असल इबारत है इन कुंतुम फाइलीन, बेटियां तो कौम की थी, लेकिन कौम की बेटियां वो नबी की बेटियां ही होती हैं। नबी जो है वो बाप के कायम मकाम होता है। अल्लाह के रसूल का फरमान है ना, इन्नमा अना लकुम बिमंजिलतिल वालिद, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की तरह हूं। तो नबी मुअल्लिम होता है और मुअल्लिम जो है वो बाप की मानिंद होता है। इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम कुछ करने वाले हो, हा उलाई बनाती, तो ये मेरी बेटियां हैं। मुराद ये माना हरगिज नहीं है इसका कि जो बदकारी तुमने उनसे कर रही उनको छोड़कर इनसे करो, कतन नहीं। नबी, ये तो नबी के बारे में ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। माना ये है कि अगर तुमने ताल्लुकात कायम करके जिनसी तस्कीन हासिल करनी है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, इनसे शादी कर लो। अल्लाह अकबर। लामरू का इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, तेरी उम्र की कसम, अल्लाह ने नबी इस्लाम की उम्र की कसम खाई है। लाम रुक, तेरी उम्र की कसम, ये लाम कसमी है, और अल्लाह ताला जिसकी चाहे कसम खा ले। और अल्लाह ताला जब अपने नबी की या नबी की उम्र की कसम खाता है तो ये उसकी शान को बयान करना मकसूद होता है। तेरी उम्र की कसम, इन्नहुम, बेशक वो, लफी सकरतिहिम, अपनी बदमस्तियों में, या महून, हैरान फिर रहे हैं। यानी लूत अलैहिस्सलाम की इतनी बात में उनको समझ में नहीं आ रही, कितनी अच्छी और मुनासिब तजवीज है कि ये बदकारी बेहयाई इनको छोड़ो, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ, अल्लाह के दीन को कबूल कर लो, और ये जो बच्चियां हैं इनसे शादी कर लो। ये एक माकूल सी बात समझ में नहीं आ रही। ये लोग अपनी बदमस्तियों में हैरान फिर रहे हैं, सरगर्दा हैं, मसरूफ अमल है। फिर क्या हुआ? बाज ना आए तो वो फरिश्ते जिनकी तोहीन का इर्तिकाब करने के लिए ये आपे से बाहर हुए जा रहे थे, فأخذتهم الصيحة مشرقين, पस पकड़ लिया इनको जोरदार आवाज ने सूरज निकलते निकलते, सूरज के निकलते वक्त जोरदार आवाज ने इसको पकड़ लिया। एक कॉल के मुताबिक ये आवाज
जिब्रील अलैहिस्सलाम की थी। जोरदार आवाज निकाली जब सूरज निकल चुका था, और इस आवाज से सारे के सारे कौम के कलेजे फट गए। नहीं, इसका तर्जमा ये नहीं, तर्जमा ये जो मैंने कर दिया, मुशरिकीन सूरज के निकलते वक्त। मशरिक को मशरिक भी इसलिए कहते हैं वहां सूरज निकलता है। बाज ने कहा एक चिंगार थी, जब सूरज शुरू हो चुका एक चिंगार थी और उसने खत्म कर डाला इस पूरी कौम को। खुद मौजूद है सूरह हूद के अंदर कि इस कौम लूत को उठाया गया, आसमानों के ऊपर ले जाया गया, आसमानों तक बुलंदी तक पहुंचा दिया गया, वहां से उल्टा जमीन पर फेंका गया इनको और पत्थरों की बारिश कर दी गई, नोकदार पत्थर मार मार कर इनको सिंसार कर दिया गया। जमीन का निचला हिस्सा ऊपर कर दिया, ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दिया गया। इससे पता चला तीन किस्म का अदाब आया इन पर, एक जोरदार आवाज, दूसरा इन बस्तियों को उल्टा कर दिया गया, तीसरा इन पर पत्थरों की बारिश कर दी गई और इस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया इस बदकारी और बेहयाई के जुर्म में। अब यहां इस आयत में अल्लाह ताला ने इनके अदाब का जिक्र किया है, फजालना आलियहा साफिलहा वामतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील। हमने क्या किया, हमने बना दिया आलियहा साफिलहा, इस शहर के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाला हिस्सा, हमने निचले हिस्से को ऊपर, ऊपर वाले हिस्से को नीचे कर, यानी उलट पुलट कर दिया, उलट पुलट कर दिया हमने, ऊपर तले कर दिया हमने। आलिया ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं और साफिला नीचे वाले हिस्से को कहते हैं। ये शदीद अदाब है। वाम तरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, और हमने बरसाए इन पर पत्थर, मिन सिज्जील कंकर वाले, कंकरीले पत्थर बरसाए हमने इन पर। कोई ताल्लुक नहीं है इस किस्से से। जाहिर है नाम तो खैर नहीं, मुतायन कह सकते हैं, जिस पत्थर को जान लगना था वो टारगेट फिक्स था, टारगेट फिक्स था और वो पत्थर उसी को लगा। नाम क्या उसके ऊपर दर्ज होना और किसी चीज का किसी के लिए खास होना, ये दो माने हैं, लेकिन यहां मखसूस मुराद है। सिज्जील कहते हैं कंकर, कंकरीले पत्थर। तो हमने बरसाए इन पर पत्थर कंकर वाले, इन नफी दालिकल आयात, इन बेशक इसमें निशानियां हैं, लिल मुतवस्सिमीन, बसीरत वालों के लिए। गहरी नजर रखने वाले जी, मिन बेयानिया, गहरी नजर, गौर फिक्र करने वालों को मुतवस्सिम कहते हैं।
तो जो गौर फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें बड़ी निशानी है। और वो क्या निशानी है? अल्लाह ताला किस तरह निशान इबरत बनाता है उन लोगों को जो अल्लाह की हुदूद को पामाल करते हैं। इन्नहा, और बेशक ये बस्ती, लबी सबील मुकीम, ऐसी राह पर है जो चलती रहती है। इन्नहा, और ये मर्जा अलकरिया की तरफ है बस्ती, ये कौम लूत की जो बस्ती है, लबी सबील मुकीम, ऐसी राह पर है जो चलती फिरती है, यानी गुजरगाह पर है, आम गुजरगाह पर है, जहां से लोग आते हैं और जाते हैं। मक्का से लोग जब शाम की तरफ जाते हैं, बस्तियों को देखते हैं, उनके सामने है, और इन बस्तियों की बर्बादी को अपने आंखों से देखते हैं। ये जो बस्ती है ना कौम लूत की, जब शाम को जाते हैं अहले मक्का, तो आने जाने वाले इन बस्तियों से गुजर कर जाते हैं, और ये पांच किस्म की बस्तियों पर मुश्तमिल थे ये कौम। पांच बस्तियों पर मुश्तमिल था ये कबीला। नंबर एक सदूम, सीन दाल वाओ मीम, सदूम, ये सबसे बड़ी बस्ती थी इनकी। दूसरा है साबा, स्वाद के साथ, स्वाद आइन बा ता, साबा। तीसरा है सावा, स्वाद आइन बाओ गोलता, सावा। चौथा है अफरा, आइन था रा गोलता। और चौथा है दूमा। अलीफ के साथ आएगा दूमा, मीम के बाद अलीफ है ता की जगह। हाँ, ऐसे इन पांचों बस्तियों को उठाकर ऊपर से पटखा गया, बस्ती उलट कर दी गई और पत्थरों की बारिश हुई। मुतबस्सिमीन, गौर फिक्र करने वाले, इन फीदालिकलामिन, बेशक इसमें निशानी है अहले ईमान के लिए। व इनका नासाबुल अलमीन, अईका बस्ती के रहने वाले बहुत बड़े जालिम थे। यकीनन अईका बस्ती में रहने वाले बहुत बड़े जालिम थे। अईका किसे कहते हैं? अब सवाल है। अईका, अईका घने दरख्त को कहते हैं, जहां बहुत सारे दरख्त हों, ऐसी जगह जहां बहुत सारे दरख्त हों उसको अईका कहते हैं। कसीर जंगल वाला इलाका, तो वहां रहने वालों को असाबुल अईका कहा जाता है। इससे मुराद कौम शुएब है। इनका जमाना लूत अलैहिस्सलाम के बाद का है। और इनका इलाका हिजाज और शाम के दरमियान लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियों के करीब था। शाम और हिजाज के बीच लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियों के करीब इनका मस्कन था, और इन्हें मदियन भी कहा जाता है। असहाबुल अईका और मदियन, ये दोनों नाम शोएब अलैहिस्सलाम की कौम के हैं। और ये मदियन जो है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे या पोते का नाम था मदियन। उसी नाम पर बस्ती का नाम रखा गया। जुल्म क्या था इनका? इनका जुल्म ये था, ये अल्लाह के साथ शिरक करते थे, नाप तोल में कमी करते थे, और ये बड़े बुनियादी जराइम थे इनके। फंतकमना मिनहुम, हमने इनसे इंतकाम लिया,
وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, ये दोनों शहर आम रास्ते पर हैं, وَإِنَّهُمَا, और बेशक वो दोनों यानी शहर, لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, खुले रास्ते पर हैं, खुले रास्ते पर। जी हाँ, राजधानी वही, लूटमार भी करते थे बिल्कुल। इमाम मुबीन का माना भी आम गुजरगाह है, आम शाहरा जिस पर लोगों का गुजर होता है। तो दोनों शहर से मुराद क्या है, एक है कौम लूत अलैहिस्सलाम का शहर और दूसरा कौम शुएब का मस्कन मदियन। ये दोनों शहर एक दूसरे के करीब थे और आम गुजरगाहों पर थे, जहां से शब और रोज लोगों का आना जाना होता था। ये उस रास्ते पर दोनों कबीले रहते थे। जाहिर है इन शिरक और लुटेरेपन नापतोल में कमी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बादल को इनके ऊपर सायाबान बना दिया, फिर चिंगाड़ियों की वजह से और आग की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कौम को हलाक कर दिया। वलकद कذب اصحاب الحجر المرسلين, हिजर वालों ने रसूलों को झुटला दिया। ये हिजर कौन है, ये साले अल इस्लाम की कौम, कौम समूद है और उनकी बस्तियों का नाम है ये हिजर। कौम समूद को असाबुल हिजर भी कहा जाता है, असाबुल हिजर, असाबुल हिजर ने अंबिया को झुटला दिया। हिजर से मुराद साले अल इस्लाम की कौम समूद है, उनको असाबुल हिजर कहा जाता है। ये बस्ती मदीना और तबूक के दरमियान है, मदीना और तबूक के दरमियान है। इन्होंने अपने पैगंबर साले इस्लाम को झुटला दिया। नबी को झुटलाने का मतलब अंबिया को झुटलाना है, क्योंकि सब अंबिया की दावत एक है। बातिना हम आयातिना, कोई बस्तियों के नाम लिख दे भाई, हमने इनको अपनी निशानियां दी, हमने इनको अपनी निशानियां अता की। फकान वनहा मुरीदीन, थे वो उनसे रूगिरदानी करने वाले। बादलों के जरिए अल्लाह ताला ने एक चिंगाड़, बादलों के जरिए साया किया, फिर एक चिंगाड़ वहां से आई और उनको भस्म कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने कौन सी निशानियां दी थी कौम शुएब को, जाहिर है वो निशानी जो है कौम साले को जो दी थी वो ऊंटनी थी। ऊंटनी एक चट्टान से हामला सूरत में निकली जो उनका मुतालबा था, लेकिन उन्होंने कत्ल कर दिया और अल्लाह के अदाब को दावत दे दी। ठीक है, तो इंशाल्लाह यहां से हम शुरू करेंगे कल की क्लास में बेदने ताला। अपना वक्त हो गया है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। नाम जो थे वो नाम नोट कर लें दोबारा, सदूम, सअबा, सअवा, असरा और दूमा। ठीक है जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।